इसका आंसर क्या होता है? हाँ, मतलब पहले गांठे बनने शुरू हो जाते हैं और फिर ये तुम सब मेरी बहनें हो, हालेलुया, हालेलुया, मेरी माएं हैं, मेरी बहनें हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा नहीं कोई शर्माए नहीं कोई ये मत, ये जो प्रभु शर्मिंदगी के कारण को जब खत्म करने पर उतरता है तो मैं कह रहा हूँ ऐसी ऐसी बीमारियां खत्म होने पर आ जाती हैं और कि शर्मिंदगी खत्म करता है वो। आमेन। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ये परमेश्वर का भवन है, आपके घराने में भी जिसके भी है आप बाहर निकले अब भी बताए मुझे, निकल के बाहर आए, मुझे पता है अब बाहर आए, ये शर्मिंदगी की, ये शर्मिंदगी को आप जब साइड में रखेंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ कोई है। मेरे भी ऐसी नहीं थे। और है, और बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, और आओ बाहर। हालेलुया। मेरी मौसी की लड़की की है ना, उसके गांठ है। हाँ, पेट पर अभी भी है। और आओ बाहर, आओ और आओ, मैं कह रहा हूँ आप ध्यान करिए, और है। तुम तीनों में से रोशनी किसके घर में? रोशनी नाम की एक जन है। प्रभु कहता है मुझ पर विश्वास ना करो, मेरे दास पर विश्वास ना करो, मेरे कामों पर तो विश्वास कर लो। अब आपको हो जाना चाहिए कि ये परमेश्वर बोल रहा है, मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूं, मैं उस बहन को नहीं बाहर निकाल सकता क्योंकि मैं पुलपिट में हूं, मुझे मना किया गया है, वो बाहर आ जाओ, अगर फिर ध्यान लगाओ वो है तुम्हारे घर में। मैं कह रहा हूं ऑपरेशन तक बोलने वाला है डॉक्टर आपको, उसको, और ये शाप है, ये चला आ रहा है। और कुछ इंडिकेशन चाहिए? अभी रुको, ध्यान करो, दोबारा ध्यान करो। एक बहुत पुराना पेट का रोग है, एक बहुत पुराना पेट का रोग है। अब तुम शायद प्रार्थना करा रहे हो वो ठीक हो रहा है फिर खराब हो रहा है, वो ठीक हो रहा है फिर खराब हो रहा है। अब मुझे तुम तीनों में से बताओ कौन है वो। कोई करा रहा है, कोई घर के लिए करा रहा है, कोई ऐसा जन है? हमारी सास की बहन प्रार्थना कराती है। ओह जीसस, थैंक यू। और चिंतू, मैं तुम बहनों से फिर कह रहा हूँ, ये रखे मेरे माइक, मैं तुम बहनों से फिर कह रहा हूँ ध्यान दो दोबारा, इन तीनों के अलावा और हैं, ध्यान दो कौन है तुम्हारे घराने में जिनके है, क्योंकि अभी मुझे परमेश्वर ने कमांड नहीं दी कि जा उनके लिए प्रार्थना कर, अभी है इसका मतलब, ध्यान करो दोबारा। अब मेरे पास बाद में मत आना और ना दास के पास आना, क्योंकि मैं जब दास से पूछूंगा अब मैं फिर बिनती और प्रार्थना में जब जाऊंगा तुम लोग की शामत आएगी फिर। हालेलुया। मेरी चाची का आएगा पेट पे गांठ। वापस पेट नहीं बोला बेटा मैंने। मेरी मम्मी को हुआ है अभी रसौली का ऑपरेशन। अभी हुआ है? अभी साल हो गया। और क्या कहते हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर वैसे तो घर पे हैं, वो तो ठीक हैं, पर उनके ना दर्द रहता है पेट में। वो तो निकली नहीं ना, दिक्कत तो गिटी किलो की। अरे वो तुम समझते नहीं, तुम अगर मेडिकल साइंस पे जाओ, जितने इधर काम करते हैं जितने मेडिकल साइंस को जानते होंगे, जब ये गांठें निकाली जाती हैं उनकी जड़ें कभी कभी रह जाती हैं और वो दोबारा पनप उठती हैं। हाँ कि ना, जितने भी जानते हैं। हमारी लड़की के भी गांठें बन जाती है। आ जाओ लाइन में लग जाओ सारे। धीरे धीरे याद आ रहा है, बताओ देखो लड़की है, अब याद आ रहा है, बहुत ग्रेट। मैं कोई पागल नहीं हूँ, वो बोल रहा है, मैं तब बोल रहा हूँ। अगर मेरी बात सुनिए, अगर मैं अपनी ओर से बोलता ये कहाँ गई वो, ये आ गई थी, मैं तभी प्रार्थना करके खत्म कर देता कि नहीं, कर देता कि नहीं, लेकिन मैं क्यों नहीं रहा, मुझे वो कमांड ही नहीं कर रहा कि जा प्रार्थना कर, क्योंकि अभी और है, कहता नहीं और है, चाहे वो नहीं करते। मैं कह रहा हूँ आप जब दूसरों के लिए मांगते हैं तो आपका शुरू हो जाता है। हालेलुया।
मेकर जीसस, मैं चाहता तो यहाँ पर मौजूद है मेरे सामर्थी पिता, तेरी रूह यहाँ पर मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर। मैं घोषणा करता हूँ इन सब के लिए, मैं घोषणा करता हूँ इन सब के लिए, मैं घोषणा करता हूँ इन सब के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनका घराना, इनका घराना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। छू और ब्लेस कर इसके घराने को, इसके पति को, इसके हस्बैंड को, इसकी सास को, इसके पूरे घराने को। मैं प्रभु उस अगुवाई से जो आज तूने कही मेरे पिता परमेश्वर, वो गांठे, वो रोग प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खत्म हो जाए। जीसस वो यहाँ पर मौजूद है, प्रभु यहाँ पर मौजूद है। मैं कह रहा हूँ, मैं ये कलीसिया के लिए वर्ड्स रिलीज कर रहा हूँ, आपके अंदर जो भी बीमारी है, जो भी बचाई है, बस धन्यवाद चाहिए, बस आपको बराबर हो, आप आजाद हो रहे हो परमेश्वर के नाम में, आप आजाद हो रहे हो, आपको पूरा आजाद हो रहा परमेश्वर के नाम में। और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, देखो मैं एक छोटी सी संदूक देख रहा हूँ, एक इतन इतन ये देख रहे हैं आप, ये सितारे से देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप सारे, मैं एक संदूक देख रहा हूं, वो छोटे छोटे शीशे लगे हैं, इतनी बड़ी संदूक है, उस संदूक का पता नहीं मैं उसमें क्या रखते हैं, मैं वो संदूक देख रहा हूं, उसमें छोटे छोटे से शीशे लगे हैं और ये चमकीलियां चमकीलियां सी लगी हैं। अब तुम पांचों में से बताओ कि वो कौन है, ऐसा ना ये नहीं नहीं वो नहीं, मैं जो देखती हूँ वो नहीं, वो नहीं, जो हो जो मैं बोलता हूँ वही वो सुनना हो ध्यान से, जैसे देखा तुमने समझा, इतनी बड़ी संदूक है और उसका हैंडल सा लगा हुआ है, ऐसे फलट हो जाता है वो, और ऐसे खुलती है, ऐसे खुल जाती है, ऐसे बंद हो जाती है, हाँ ऐसे हो जाती है, और मैं उसके अंदर गंद देख रहा हूँ बहुत सारा, न जाने हाँ वो वही है, शीशे लगे उसमें छोटे छोटे, एक मेरी मौसी के घर पर भी है, कैसी है वो मुझे बताओ, उसमें ना कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है ना बंद करने वाला, हाँ हालेलुया हालेलुया। अगर वो बोलती कि हाँ मेरे पास संदूक है, मैं हाँ कर देता, लेकिन मैंने बोला नहीं वो नहीं है, वो ये है। अब क्या दूं आपको, हालेलुया जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के नाम में आजाद होने से मिलकर जाएंगे ताली में प्रार्थना के साथ, हालेलुया।